नमस्कार, मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। महाराष्ट्र, दो बड़ी खबरें। पहली तो यह है कि राज्य के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लगभग अड़ गए हैं, और दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी वक्त संपत्तियों को हाथ में नहीं लगाने दूंगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मंदिरों को जोड़ दिया है। इसके अलावा उद्धव ने सीएम पद को लेकर भी अहम बात बोली है। उन्होंने खुलकर कहा है कि बात सच है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीएम पद को लेकर चर्चा हो रही है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको बता दें कि वक्त बोर्ड संशोधन बिल को लेकर नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर जाना पड़ा है, बीजेपी के पास भेजना पड़ा। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन भी हो चुका है। आपको बता दें कि लोकसभा विपक्ष ने इसके प्रावधानों का जमकर विरोध किया है। नरेंद्र मोदी की कमजोरी होती राजनीतिक हैसियत के तौर पर देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने इसी पर बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर वक्त बोर्ड या किसी मंदिर और धार्मिक संपत्ति को किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है, ये किसी बोर्ड का सवाल नहीं बल्कि मेरे हमारे मंदिर का मामला है। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा कि केदारनाथ मंदिर का 200 किलो सोना चोरी हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए। मतलब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी पोजीशन को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को लेकर भाजपा और शिंदे शिवसेना लगातार हमलावर रही है। उन्होंने बाल ठाकरे वाले हिंदुत्व को छोड़ दिया है, कट्टरता को छोड़ दिया है, और उद्धव लगातार कहते हैं कि भाजपा और शिंदे हमें हिंदुत्व पर ज्ञान ना दे। हमारा हिंदुत्व मारने, काटने और सताने का नहीं, कमजोर लोगों का बचाव करने और सबको साथ लेकर चलने का हिंदुत्व है। आपको याद हो तो 21 जुलाई को महाविकास अघाड़ी को औरंगजेब फैन क्लब और उद्धव ठाकरे को इसका चीफ बताया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके पहले 4 मई को अमित शाह ने कहा था कि आगामी चुनाव उन लोगों के बीच है जो जिहाद के लिए वोट करते हैं और जो विकास को प्राथमिकता देते हैं। इसी का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने 3 अगस्त को अमित शाह को मराठों का नरसंहार करने वाले अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बता दिया और कहा था कि ये सत्ता जिहाद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज से मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली ही बोलेंगे। उन्होंने सत्ता जिहाद का मतलब समझाते हुए कहा था, इसका मतलब होता है कि सरकार बनाने के लिए इंसानों की चोरी करना, लोगों की चोरी करना। उद्धव ने शंकराचार्य के हवाले से कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं हो सकते और अमित शाह विश्वासघाती हैं। आपको बता दें कि अहमद शाह अब्दाली मराठा राजनीति में नफरत का सबसे बड़ा नाम है। चलिए आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य से लेकर हिंदुस्तान के सरहिंद तक फैला हुआ था। हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य की पकड़ कमजोर होने लगी थी, मराठों की ताकत लगातार बढ़ती चली जा रही थी। मराठों के विस्तार से अहमद शाह अब्दाली को अपने सल्तनत के लिए खतरा महसूस हो रहा था। दोनों अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुटे हुए थे, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन, इसी का फैसला करने के लिए 1761 में दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी। इतिहास में इसे पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। सदाशिव राव भाऊ मराठों के सेनापति थे। इस जंग में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई, लेकिन दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। बताते हैं कि पानीपत के मैदान पर इतना खून बहा था कि वहां की मिट्टी पूरी तरह लाल हो गई थी। यह हर इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। उसी समय अहमद शाह अब्दाली से उद्धव ने अमित शाह की तुलना की है, उनका राजनीतिक वंशज बताया है। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव को उन्होंने मराठा स्वाभिमान की लड़ाई की तरफ मोड़ दिया है, और अगर ये मुहावरा चल निकला तो बीजेपी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके साथ ही वक्त की संपत्ति को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा बोलकर उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के अल्पसंख्यक बूथ को भी अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभी ये पता नहीं है कि अगर भाजपा और शिवसेना ने इस बयान को वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल किया तो उद्धव का फायदा होगा या नुकसान। अब आइए मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर, पहले तो संजय राउत उद्धव के लिए फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन अब तो खुद उद्धव मैदान में उतर पड़े हैं। जबकि सुप्रिया सुले ने यह कहकर उद्धव को लकीर खींचने का इशारा भी कर दिया था कि अगर कोई मुख्यमंत्री बनने के सपने देखना चाहता है तो उसे देखने दीजिए, हमारे लिए चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। यही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने की थी। साथ में पटोले ने एक और बात कही थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे की बात खुद उद्धव ने नहीं की, लेकिन इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब तो खुद उद्धव ठाकरे इस पर बात करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा के साथ गठबंधन के बाद मुझे एक चीज का अनुभव हो गया है कि हमें उस नीति पर नहीं चलना चाहिए। गठबंधन में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी का सीएम होगा। हमने भाजपा के साथ गठबंधन में पिछले चुनाव में ऐसा महसूस किया है कि पार्टी अपने विधेयकों को ज्यादा से ज्यादा
संख्या में जिताने के लिए गठबंधन की दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को कमजोर करने की कोशिश करती है। क्या इशारा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? एनसीपी और कांग्रेस कमजोर कर सकते हैं। उद्धव ने कहा कि इसलिए हम ज्यादा विधेयकों वाली पार्टी को ही सीएम पद देने के पक्ष में नहीं है। तो क्या उद्धव को एहसास हो गया है कि चुनाव के बाद सीएम तय करने के सिद्धांत से उनके मुख्यमंत्री बनने के इरादे को पलीता लग सकता है? देखिए, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फैसला करने दीजिए। कांग्रेस और एनसीपी अपने सीएम उम्मीदवार का नाम सुझाएं, हम उनका समर्थन करेंगे। हमें महाराष्ट्र और देश की भलाई के लिए काम करना है और मैं 50 खोखा और गद्दारों को जवाब देना चाहता हूं कि लोग हमें चाहते हैं न कि उन्हें। ठाकरे ने कहा कि मैं भाजपा नेतृत्व वाले महागठबंधन मायूति से इस बात पर बहस करने के लिए तैयार हूं। आपने इस देश और राज्य के लिए क्या किया और हमने क्या किया? आप क्यों नहीं नगर निगम के चुनाव होने दे रहे हैं? मुंबई महानगर पालिका के आखिर आपको किसका डर सता रहा है? इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में धुआंधार लड़ाई छोड़ने वाली है और भाजपा ने रणनीति बनाई है कि इस लड़ाई को अगर मुकाबले में लाना है, जीतने के बारे में सोचना है, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बैक सीट पर बैठकर उतारा जाए। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।